गुड मॉर्निंग। आज हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के फोर्थ यूनिट के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये बुक वैन तुमासी की है, जिसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगा, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टेलीफोन, जैसा कि आपको पता है, ग्राम बेल ने इसका इन्वेंशन किया था वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए, जिससे हम एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर के बीच बातें कर सकते हैं। तो टेलीफोन कैसे वर्क करता है, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो ये थोड़ा टेलीफोन, जो सबसे पहले टेलीफोन हमको दो पढ़ जो टेलीफोन में डायलिंग, ये सबसे पहले टेलीफोन जो आया था वो आपने देखा होगा, उसमें रोटेटरी डायलिंग सिस्टम होता था। रोटेटरी डायलिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, और उसके बाद जो टेलीफोन आया उसमें जो बटन्स आए, इसको बोलते हैं हम टच टोन डायलिंग। तो टच टोन डायलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रोटेटरी डायलिंग में क्या होता था, ये जिस नंबर के सब्सक्राइबर को हमको से बात करनी है, उस नंबर को डायल करने के लिए हमें उस नंबर को रोटेट करना था स्विच तक। जैसे हमको 341 डायल करना है, तो हम 3 को इस स्विच तक रोटेट करेंगे, फिर 4 को इस स्विच तक रोटेट करेंगे, फिर 1 को, तो 341 नंबर डायल हो जाएगा। और टच टोन मेथड में क्या होता था, हम सिर्फ नंबर को प्रेस करते थे, 3 को प्रेस किया, 4 को प्रेस किया, 1 को प्रेस किया। तो ये दो टाइप के डायलिंग मैकेनिज्म होते हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपका जो टेलीफोन सेट होता है, टेलीफोन सेट दो वायरों से कनेक्ट होता है। आपके नियरेस्ट एक स्विच ऑफिस होता है, सेंट्रल ऑफिस का काम होता है कि आप जिस नंबर सब्सक्राइबर से बात करना चाहते हैं, उस सब्सक्राइबर से आपको कनेक्ट करना। इस सेंट्रल ऑफिस को हम सेंट्रल ऑफिस स्विचिंग मशीन भी बोलते हैं, या पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क भी बोलते हैं। इस स्विचिंग ऑफिस का काम है आपको जिस सब्सक्राइबर से भी बात करनी है, उसको आपकी कॉल को उससे कनेक्ट करना। आपका टेलीफोन सेट दो वायरों की हेल्प से इस ऑफिस से कनेक्ट होता है। इन दो वायरों को सब्सक्राइबर लूप बोलते हैं, सब्सक्राइबर लूप में एक ऊपर वाली वायर को बोलते हैं अपन रिंग, और नीचे वाली वायर को बोलते हैं अपन टिप एंड रिंग। रिंग में -48 वोल्ट होता है, और टिप होता है आपका ग्राउंड। तो सब्सक्राइबर लूप आपका एक टॉपिक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सब्सक्राइबर लूप क्या होता है, सब्सक्राइबर लूप होता है जब आपको टेलीफोन सेट दो वायरों की हेल्प से आपके नियरेस्ट स्विचिंग ऑफिस से कनेक्ट होता है। इन दो वायरों को ही सब्सक्राइबर लूप बोलते हैं, लोकल लूप भी इसे कहा जाता है। इसकी एक वायर को बोलते हैं अपन रिंग, दूसरी को टिप। रिंग का वोल्टेज होता है -48 वोल्ट, और टिप का वोल्टेज होता है ग्राउंड। इन दो वायरों में जो टेलीफोन में कनेक्टर होता है वो RJ11 कनेक्टर होता है। जैसे कि आपने टेलीफोन अगर देखा हो, और जो टेलीफोन उसमें जो अपन वायरों से कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टर होता है RJ11 कनेक्टर। तो टेलीफोन में जो कनेक्टर यूज़ होता है वो RJ11। अभी हम मेनली जो फर्स्ट टॉपिक आपका मेजर टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, टेलीफोन का स्टैंडर्ड टेलीफोन का ब्लॉक डायग्राम। मतलब जो टेलीफोन सेट होता है जो आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट सीरीज होते हैं जो वर्क करता है। तो ये टेलीफोन का ब्लॉक डायग्राम है जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके हर एक पार्ट को हमको समझना है, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
तो उसके हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। तो उस ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है दो वायर, ये टेलीफोन का सेट है पूरा ब्लॉक डायग्राम। दो वायर देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा है रिंग, नीचे लिखा है टिप, मतलब ये जो है आपका टेलीफोन दो वायरों से एक सेंट्रल ऑफिस से कनेक्टेड है। सेंट्रल ऑफिस से कनेक्टेड इसलिए, देखो यहाँ लिखा है आपका लोकल लूप, मतलब ये लोकल लूप होगी, इस RJ11 कनेक्टर से आपके फ़ोन में कनेक्ट होगी ये वायर। इसके बाद आपको दिख रहा है पहला ब्लॉक रिंगर सर्किट, पहला ब्लॉक है रिंगर सर्किट। अब टेलीफोन में रिंगर सर्किट का क्या काम होगा? टेलीफोन में रिंगर सर्किट का काम होता है कि जैसे ही आपके टेलीफोन में कोई कॉल आ रहा है तो वहाँ रिंग बजेगी। रिंग बजने का काम है कि सब्सक्राइबर को, जो जिस पर जिसके पास कॉल आ रहा है, उसको सूचित किया जाए कि आपको कोई दूसरा सब्सक्राइबर आपसे बात करना चाहता है। तो ये इन्फॉर्म करता है कि आपसे कोई बात करना चाहता है, तो आप इस फ़ोन को पिकअप या उठाएं। तो रिंगर सर्किट का यही काम होता है कि सब्सक्राइबर को सूचित करना कि आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है। उसके बाद होता है आपका ऑन ऑफ हुक सर्किट, ऑन ऑफ हुक सर्किट का काम होता है, ये दो स्विचेस होते हैं, सिंगल थ्रो डबल पोल स्विच। ठीक है, ऑन ऑफ हुक सर्किट क्या होता है कि अगर आपका टेलीफोन सेट, अगर आपका टेलीफोन सेट रखा हुआ है तो उस पोजीशन को बोलते हैं अपन हुक में है, ऑन हुक, मतलब वो टेलीफोन जब पुराने सेट आते थे टेलीफोन, वो हुक की तरह कहलाते, तो हम उसको बोलते थे कि वो हुक में रखा हुआ है, तो उसको बोलते ऑन हुक। और जैसे ही आपका से टेलीफोन सेट आपने उठा लिया है तो उसको बोलते हैं अपन ऑफ हुक, ऑफ हुक। तो टेलीफोन अगर आपका रखा हुआ, तो आपका रखा हुआ है सेट पे, तो वो तो ऑन हुक, ऑन हुक पे ये स्विच ओपन होगा और ऑफ हुक में ये स्विच क्लोज होगा। ये इसमें उल्टा है, ऑन हुक मतलब स्विच ओपन, ऑफ हुक मतलब स्विच क्लोज। ऑन हुक मतलब टेलीफोन रखा हुआ है, ऑफ हुक मतलब टेलीफोन को आपने उठा लिया है। तो जैसे ही आप टेलीफोन को उठाते हैं, तो ये ऑफ हुक हो जाता है। ऑफ हुक मतलब ये स्विच क्या हो जाएंगे आपके, क्लोज। स्विच जैसे ही क्लोज होते हैं तो ये सर्किट हो जाता है आपका कनेक्ट, आपके किससे, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आपका सेंट्रल ऑफिस से, लोकल लूप की हेल्प से सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगा, इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा करंट। और सेंट्रल ऑफिस क्या करता है, आपके टेलीफोन पे एक टोन भेजता है, उसको बोलते हैं अपन डायल टोन। डायल टोन जैसे ही आपको सुनाई देती है, आप जैसे ही फ़ोन पिकअप करते हो आपको एक डायल टोन सुनाई देती है, जो आपको बताती है कि आप एक सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट हो चुके हो। इसका मतलब आप कोई भी कॉल कर सकते हो, अभी किसी भी सेंट्रल ऑफिस से बात कर सकते हो। अगर डायल टोन आपको नहीं सुनाई दे रही है, मतलब सेंट्रल ऑफिस से आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और आपका फ़ोन या तो डेड है या आप कॉल नहीं कर सकते, तो इस सर्किट का यही काम होता है। इसके बाद होता है इक्वलाइज़र सर्किट। इक्वलाइज़र सर्किट का काम है कि सर्किट में जो भी वोल्टेज है, इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का एक रजिस्टर नेटवर्क होता है, ये जो आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा इसमें जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इसको रेगुलेट करता है इक्वलाइज़र। रेगुलेट का मतलब इसमें वोल्टेज और करंट को ये बढ़ने नहीं देता, सीमित रखता है, सीमित मतलब कांस्टेंट रखता है। तो इक्वलाइज़र का काम है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वेरी ज़्यादा नहीं करेगी, इसका काम है रेगुलेट करना। यहाँ आपको ये डायलिंग सर्किट भी दिख रहा है, यहाँ पर ऑन ऑफ सर्किट में डायलिंग सर्किट लग रहा है। जैसा कि डायलिंग सर्किट मैंने आपको बताया, दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल डायलर और टचस्टोन डायलर। मैकेनिकल डायलर मतलब जो रोटेटरी सिस्टम जो पहले डेवलप हुआ था, रोटेटरी सिस्टम, और टचस्टोन मतलब जिसमें हम नंबर को प्रेस करते हैं। तो डायलिंग मैकेनिज्म दो टाइप का हो सकता है, या तो रोटेटरी डायलर और या फिर टचस्टोन डायलर। इसके बाद ये ब्लॉक होता है हाइब्रिड सर्किट।
हाइब्रिड सर्किट का काम होता है जो दो वायर आ रहे हैं आपके, दो वायर को चार वायरों में कन्वर्ट करना। ये टू वायर सर्किट को फोर वायर सर्किट में कन्वर्ट करेगा। फोर वायर वाले सर्किट में क्यों कन्वर्ट करेगा? क्योंकि हम एक ही समय पर बोल भी रहे हैं और एक ही समय पर सुन भी रहे हैं। तो दो वायर हमको बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, और दो वायर हमको सुनने के लिए चाहिए। तो ये फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन होता है कि एक ही समय में आपको बोलना भी है और सुनना भी है। तो हाइब्रिड सर्किट इस टू वायर सर्किट को फोर वायर सर्किट में कन्वर्ट करके देता है। फिर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एक स्पीकर, एक माइक्रोफोन। स्पीकर और माइक्रोफोन आपने शायद पढ़ा भी हो। स्पीकर का काम होता है, अगर आपकी आवाज़ आ रही है यहाँ से ये स्पीकर का काम हो रहा है। इन जो वायरों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रांसमिट होते हैं, तो स्पीकर का काम होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करना। और माइक्रोफोन जिसमें आप बोलोगे, माइक में आप बोलते हो, तो माइक्रोफोन का काम होता है वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ये जो आप बोलोगे माइक में, बोलोगे माइक से जो आपकी आवाज़ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी और इन वायरों के थ्रू ट्रांसमिट होगी। और जो रिसीविंग सिग्नल है, इन वायरों के थ्रू रिसीविंग सिग्नल आएगा स्पीकर में। स्पीकर इन वॉइस को, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। तो ये एक टेलीफोन सिग्नल के सारे ये ब्लॉक्स हो गए जो एक स्टैंडर्ड टेलीफोन सेट में होते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।